DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in. देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये आयोजन रखा गया है. 2014 से 19 तक पिछले 5 साल में जो उन्होंने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के आधार पर जो उन्होंने देश भर में जो विकास के कार्य किए हैं और उसी का परिणाम है कि 2019 में दोबारा कई दशकों बाद पूर्ण बहुमत से गैर कांग्रेस सरकार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से इस देश में सरकार बनी, उसको एक साल पूर्ण हुए हैं. उसके उपलक्ष में ये आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा गया है. इस कार्यक्रम में हमारे शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रीतसिंह जी आड़ा साहब, हमारे दोनों महामंत्री और पूर्व महापौर संपत जी सागला साहब, भाई श्री रमेश जी सोनी साहब, मोहल साहब और विक्रम सिंह जी, ये हम सबके बीच में आए हैं. जो एक साल के अंदर उन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया. अब पहले उन्होंने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने 5 साल काम किया. अब की बार उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के लक्ष्य को लेकर उन्होंने एक साल जो कार्य किए हैं, बहुत जो कई दशकों में नहीं हो सकते थे जो निर्णय उन्होंने वो निर्णय लिए देश हित में. नरेंद्र भाई मोदी जी ऐसे शख्सियत है और उसी का परिणाम है कि आज कोरोना महामारी में हमारा 130-135 करोड़ की जो जनता है मोदी जी पर विश्वास करके, चाहे जनता कर्फ्यू का मामला हो, चाहे लॉकडाउन हो, अक्सर पूरे देश की जनता ने उसका पालना की और उसमें चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग कर्मी हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे मीडिया के भाई हो, सबने जो योगदान दिया है वो बेमिसाल है. दूसरा, हमारी देश की संस्कृति है, जब जब भी हमारे देश में विपदा आई है तब तब भी यहाँ हमारे भामाशाहों ने, हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने, हमारे विचार परिवार ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो इस कोरोना महामारी में गरीब को गणेश मानकर जन कल्याणकारी जो कार्य किए हैं जो 75 दिन में, उसी का परिणाम है कि चाहे हमारे अजमेर लोक अजमेर शहर हो, अजमेर लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पूरे देश में, आज हम काफ़ी हद तक, क्योंकि कई जो दूसरी कंट्री है हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर ही उनका क्षेत्रफल नहीं है. जनसंख्या की दृष्टि से ही जो हमारे जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उतने उन देशों की संख्या नहीं है. और 130-135 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम इस कोरोना महामारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए. और जो मोदी जी ने इस देश का गौरव बढ़ाया, जो आपके सामने उन्होंने इस कोरोना महामारी में जब सारी अर्थव्यवस्था हमारे देश की नहीं पूरी दुनिया की चौपट हो गई है, ऐसी स्थिति में हमारे देश की जीडीपी का 10% यानी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे मजदूर से लेकर व्यापारी तक, चाहे युवा से लेकर महिलाओं तक, सभी का ध्यान रखते हुए उन्होंने इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए और देश को उठ खड़ा होने के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, वो एक सराहनीय है. और तो इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की इतनी राज्य सरकार को मदद देने के बाद भी, अभी मैंने आपको बताया, मैं आपको दे दूंगा वो, परंतु आंकड़े सारे, परंतु राजस्थान सरकार को हर रूप में, चाहे अनाज के रूप में, चाहे किसान सम्मान निधि के रूप में,
चाहे जनधन खाते के रूप में, चाहे उज्ज्वला योजना में, चाहे हर क्षेत्र में उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए दिए, परंतु यहाँ की राजस्थान सरकार ने सबसे बड़ी गलती करी। उन्होंने जो निर्णय हमेशा द्वंद्व में रहे, वो कभी क्या आदेश देते हैं, और दिन को तो आदेश देते हैं कि प्रवासी राजस्थानों को लाना है, और रात को फैसला लेते हैं कि राजस्थान की सारी सीमाएं सील कर दी जाए। इसलिए इस देश में सबसे बड़ा कोई जनमानस को संकट आया तो राजस्थान में आया। आपने देखा होगा, आप तो मीडिया के भाई हो, आपने देखा होगा पैदल यात्री हिंदुस्तान में सबसे कोई ज़्यादा चले तो राजस्थान में चले। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की भरपूर सहयोग देने के बाद भी हमेशा हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान की हमेशा केंद्र सरकार को कोसते रहते हैं, जबकि हर क्षेत्र में इतना बजट दे रहे हैं वो, उससे ये राजस्थान इस कोरोना महामारी की वैश्विक महामारी से उबर सकता है। दूसरा मेरा ये कहना है, यहाँ चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे यहाँ शिक्षक वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, उनमें आए दिन अत्याचार अन्याय हो रहा है। और तो और है, हमारे यहाँ के जो SHO हैं, जो थाना इंचार्ज हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये राजस्थान सरकार सिर्फ करती कुछ नहीं है, श्रेय लेना चाहती है। मैं जल्द जो जीवन मिशन की बात करूं, जल के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लोकसभा के अंदर उन्होंने घोषणा करी है कि 2024 तक ऐसा कोई नहीं घर बचना चाहिए जिस घर में नल नहीं हो, और नल हो तो उसमें जल नहीं हो। परंतु दुर्भाग्य है कि राजस्थान सरकार इसमें कोई खास तोजा नहीं ले रही है। 75% राशि केंद्र सरकार दे रही है, पर हम राजस्थान सरकार कह रही है हमारे को तो 90% दो। अरे भाई, तुम तो फिर ये कह दोगे 100% दो तो तुम क्या कर रहे हो? श्रेय तो लेना तुम चाह रहे हो। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे हर शिक्षा का मामला हो, हर क्षेत्र के अंदर केंद्र सरकार पैसे दे रही है, और झूठे श्रेय लेने के लिए राजस्थान सरकार आगे आ जाती है, काम कुछ करती नहीं है। इस कोरोना महामारी में इन्होंने बहुत बड़ी, मैंने जो VC मुख्यमंत्री जी को कहा, आप क्वारंटाइन कर रहे हो, 2440 रुपये वसूल कर रहे हो उसके नाम से, आप उनको बराबर पानी भी नहीं पिला रहे हो। कितने मुझे पता है, कई क्वारंटाइन हुए, उनके घर से उनके भोजन जा रहा था, भामाशाह दे रहे थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भोजन के पैकेट हो चाहे खाद्य सामग्री हो पहुँचा रहे थे। हमारे भामाशाह, हमारे विचार परिवार, इतना करने के बाद आपने देखा कहीं भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस लॉकडाउन में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे संगठन के पदाधिकारी हो, सभी ने ऐसा कार्य किया। अरे उसके फलस्वरूप आम जनता के दुख दर्द को हम संभल दे पाए। मैं उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, भामाशाहों का, हमारे विचार परिवार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आप कुछ करो, झूठे श्रेय लेने की कोशिश मत करो। जो राजस्थान सरकार जो इमदाद दे रही है उसको तो खर्च करो, उसको भी खर्च नहीं कर रहे, हर जगह रोडें अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज मैं यही कहना चाहूँगा, अभी बिजली की बात आई थी, बिजली में जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसमें 90,000 करोड़ रुपये पूरे देश में बिजली व्यवस्था को संबल देने के लिए पूरे देश में दिया, उसके अंतर्गत 4,443 करोड़ रुपये जो तीनों डिस्कॉम में जयपुर, अजमेर और जोधपुर, उन डिस्कॉम को 4,443 करोड़ रुपये दिए। क्या गहलोत जी की ड्यूटी नहीं बनती है कि 3 महीने जो उद्योग बंद थे, किसानों
वो कुएं पे नहीं जा रहे थे। छोटा दुकानदार है, व्यापारी है, कोई भी है, चाहे मीडिया कर्मी है, उसको ऑफिस नहीं खोल रहे थे, फिर उनके बिजली के बिल ले रहे हैं। कहाँ का ये न्याय है? और उनकी नेता प्रियंका जी कह रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि 3 महीने का बिजली माफ करो, पहले खुद तो करके देखे। सरासर अन्याय है, जबकि केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का ठीक ढंग से निर्वहन किया है। 4,443 करोड़ रुपए तीनों डिस्कॉम को दिए। मैं मांग करता हूँ कि 3 महीने के और 31 मई तक इन्होंने कहा कोई हम पेनल्टी नहीं लेंगे। सैकड़ों ऐसे बिल में बताऊँ जो 31 मई के पहले बिलों का भुगतान किया, फिर भी उनके पेनल्टी लगा दी। इसलिए ये राज्य सरकार फेलियर है। राज्य सरकार ने धोती भाई भाई लूटने की कोशिश करी है, धरातल पर उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और तो और है, जो क्वारंटाइन जो किया है उनके नाम पर भी उन्होंने लूट खसोट की है। और पूरे राजस्थान में पूरे ईमानदारी से उनको जो कार्य करना चाहिए था वो नहीं किया। नरेंद्र भाई मोदी जी है जिन्होंने पूरे प्रदेश में आम जन के लिए उन्होंने कार्य किया है। उसके लिए आज सभी मीडियाकर्मी भाई आप पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।